है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सुनो, जब उत्साह होता है समुद्र में ज्वार भाटे निकलते हैं, चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग बहुत दूर से आए हैं। इनको पता था या नहीं पता था, पता नहीं है कि दक्षिण में समशीतोष्ण चलता है, उष्ण काल में भी गर्मी कम पड़ती है और शीत काल में भी शीत कम पड़ती है, यहाँ पर दोनों ही दुगनी होती है। यहाँ की जो है सर्दी है थोड़ी बहुत, यहाँ से सैंपल के लिए दक्षिण ले जाए तो इनको मालूम पड़ेगा उत्तर की ओर कितनी सर्दी और गर्मी पड़ती है। किंतु जब उत्साह में आ जाते हैं सर्दी और गर्मी निकल जाते हैं। ऐसे ही श्रमण लोग उस उत्साह में रहते हैं, दुर्लभ चीज की प्राप्ति होती है तो वे भी सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास ये सब भूल जाते हैं, तृप्ति का अनुभव होता है। और बड़े बड़े संघों के जब उन्हें लाभ हो जाता है तब समझ में उनको भी आता है, श्रमणों को भी, कि हाँ ये दिव्य रिद्धिधारी मुनि महाराजों के समागम प्राप्त होते ही उनको अपनी क्षमता के बारे में भी बोध होने लग जाता है। दुर्लभ वस्तु है श्रवण धर्म, अहिंसा धर्म, जो आप लोगों को पूर्व में किए हुए पुण्य के कारण उदय में आया, उसके फल स्वरूप ये उपलब्ध हुआ है। यदि उस पुण्य का उपयोग विषय और कषायों में करते हैं तो यह आनंद आप लोगों को मिल नहीं सकता। ये आप लोगों ने अपने पुण्य का खर्च करके उपयोग किया, यह अब कितना फलने वाला है हमें पूछो तो हम बता नहीं सकेंगे। बताने को तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं, जिसका सीमातीत इसका फल रहता है। दिन दुगुनी रात चौगुनी वाली बात है ये, यह बढ़ता ही जला जाता है। पुण्य कार्य करने से पुण्य दुगुनित हो जाता है, कई गुना फल जाता है, किंतु कभी वह नष्ट नहीं होता, किंतु पाप को नष्ट कर देता है। पाप की निर्जरा एक प्रकार से
पुण्य के माध्यम से होती है और वह पुण्य विषय को नहीं चाहने वाला होता है, विषयातीत होने के लिए प्रयासरत रहता है। गत सप्ताह यहाँ पर दक्षिण से कुछ साधक लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें आगे और क्या करना है, कैसा करना है। तो भैया ग्राहकों को ग्राहक यदि पूछते हैं तो हम बता सकते हैं, और आप तो कमीशन लेकर के चले जाएंगे, आपके लिए हम क्या बताएं। तो उन्होंने कहा कि यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, यदि ग्राहक आ जाए तो आप वो माल भी उसी प्रकार का रखना होगा। ये हमारे पास तो भगवान के द्वारा गुरुओं के द्वारा दिया हुआ है, उसमें कभी कमी आ नहीं सकते, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी इन्होंने सोचा, ब्रह्मचारी भी समझ नहीं पाए और संख्या बहुत हो गई। ये सर्दी का समय है, कहाँ पर इन लोगों को बिठाओगे। ये आश्रम बना है ज्ञान सागर महाराज के नाम से, उसके आंगन में आज वृद्धियों से ये आंगन पूरा भर गया है। जहाँ कहीं भी गुरुदेव होंगे वे इस दृश्य को देख रहे होंगे, तो उनको भी लगेगा कि यह काम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत वृद्धावस्था में भी उन्होंने अथक परिश्रम करके हमें जो कुछ भी दिया, हमारी साधना को बढ़ाए, हमारे लिए भविष्य संबंधी रास्ते सारे सारे बताया अल्प समय में। उसी का यह परिणाम है कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य प्रांत में त्यागियों की और तपस्वियों की एक प्रकार से संचार होता जा रहा है। आगे भी इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार आगे के भविष्य में भी, आगे की पीढ़ी के लिए भी यह लाभप्रद हो, ये भावना रखते थे गुरु महाराज, और रखना स्वाभाविक है क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु, ये कुछ सीमित खर्च नहीं होना चाहिए, इसका उपयोग तो जन जन तक होना चाहिए और देव लोग भी इसको पाने के लिए तरस जाएंगे। देव लोग इसका आनंद ले नहीं सकते, केवल इस दृश्य को देख करके ही वे तांडव नृत्य कर लेते हैं। ये जो आनंद आप लोग ले रहे हैं, यह शब्दातीत है, ये मुख से कहने योग्य नहीं है, समेद्य है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। आप जो अनुभव कर रहे हैं, हम सोचते हैं आप तो कर ही रहे हैं, किंतु आगे के संतान के लिए भी ये लाभ मिले, ऐसे वातावरण संस्कार स्थान विशेष बनते चले जाएं, और स्थान विशेषों में जाकर के जनता साधना और आराधना दोनों पंच परमेष्टि की करते रहे, यही भाव है। उन लोगों ने कहा आगे के लिए भी इसी प्रकार का हमारा विचार है, ये संख्या यदि आगे बढ़ती है तो आगे की साधना भी उन्हें दी जाए। उसी वक्त यहाँ पर आश्रम के लोगों को भी संकेत दिया
तुम भी थोड़े से आगे बढ़ो, वृद्ध हो गएंगे तो ज्ञान वृद्ध और तपो वृद्ध भी तो हो सकते हैं, ऐसे थोड़े बैठे बैठे ये करो। तो गुरु महाराज तो 80 साल की उम्र में भी खूब साधना की है और ज्ञान आराधना के माध्यम से उन्होंने कई शिष्यों को निर्माण किया, बता दिया और आज ये वहाँ फल फूल रहा है। तो 8-10 त्यागी तपस्वी वृद्ध काफी थे, लेकिन उनको समझ में आ गया जब हम ये दुकान खोल रखी है उसमें विशेष और व्यापार किया जा सकता है। तो 7-8 व्यक्तियों ने 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमाओं का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिए है। उसी प्रकार वह 7 तक तो पहुंच जाते हैं ये लोग, 7 के बाद घर में कहाँ तक इसकी साधना की जा सकती है। घर में तक बैठे बैठे 10 प्रतिमा तक इसकी साधना की जा सकती है, घर में रहते हुए भी। यह बहुत प्राय करके बहुत कम रहता भी है तो साहस करके ये काम नहीं होता, किंतु किसान वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत आसान है। घर में बैठे बैठे भी इस प्रकार की दुकान, और ये ध्यान रखना आगे के 7वीं प्रतिमा के बाद एक एक प्रतिमा में इतना व्यापार होता है, इतनी आमदनी होती है, रखने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। हाँ, इतनी होती है, इससे आप वंचित न रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी ये दुकान खोल दी जाए। अभी तो संक्षेप से उसकी थोड़ी सी भूमिका बना करके यहाँ आपके जो कार्यकर्ता हैं और संयोजना करते रहते हैं, तो थोड़े से मौसम परिवर्तित होने के उपरांत उसका बृहद रूप भी रखा जा सकता है। हाँ, उस समय थोड़ी व्यवस्था की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उस समय आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज तो हम प्रारंभ कर ही देते हैं, क्योंकि ये प्रतिमा विज्ञान प्राय करके जो कि श्रवण बनने की भूमिका का काम करता है, और विवेक के बिना, ज्ञान के बिना, कर्म निर्जरा की जो शैली है, कर्म निर्जरा के जो उपाय हैं, वो ज्ञात नहीं हो पाते। बिना आस्था के कुछ नहीं होता, लेकिन आस्था के बाद में भी अच्छे रास्ता को पकड़ने के लिए सम्यक ज्ञान की बड़ी आवश्यकता हो जाती है। वह संकेत, वह दिशा बोध संक्षेप में जो आचार्यों ने दिए हैं उनको हम पाले तो बहुत जल्दी, अभी आप 1 महीने में तो कर्म निर्जरा करते थे, वह 1 दिन में भी हो सकती है, ऐसे भी युक्तियां हैं। तो जो अभी केवल 7वें तक आकर के रुक गए, आगे बाद में उनके लिए पटरी तो बिछी है, लेकिन उनके लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, तो उसको हम तैयार करने में लगे हैं, और आप उसका उपयोग अवश्य लीजिए ताकि यह सुगम मार्ग और लंबा चौड़ा होता चला जाए। सर्वप्रथम हम आज भूमिका के रूप में ये बताना चाहेंगे कि गृहस्थ आश्रम में भी कर्म निद्रा किस ढंग से की जाती है। यहाँ सब लोगों को संक्षेप से तो ज्ञात है, लेकिन विस्तार के साथ उसमें जो जैसे कोई एक विषय है उस विषय के भी कई अंग उपांग हुआ करते हैं, और उनको विद्यार्थियों के सामने रखने से सुविधा हो जाती है। उसी प्रकार यह है, छत्री तो आज नहीं के बराबर है, वैश्य हैं
लेकिन वैष्णवी इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारा चारित्र का काम इतना ही है, और घर वालों को वो बता देते हैं तुम करते जाओ, हमारा आप लोगों के लिए प्रोत्साहन है, लेकिन हम भाग नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखना, तो सारा तो चाबी इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। आप दुकान में काम करते जाओ, ऐसा होता है वहां पर बैठे बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बौद्धिक मात्र व्यायाम है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर जैसे बैठे बैठे विदेश के साथ भी व्यापार का संबंध आप जोड़ सकते हो, उसी प्रकार यहाँ पर अध्ययन और साधना करते करते कुंद कुंद भगवान कहाँ पर चले गए, समर्थ वस्त्र महाराज कहाँ चले गए, उनके साथ हम अपने मोबाइल से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोगों को पूर्वज जो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हुए हैं, अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली है ये भी हमें ज्ञात है, इसलिए उन सबको ढूंढ करके निकालो। और अभी यहाँ पर आवश्यकता आपकी बहुत है, इसलिए हमारे लिए लाभ आप आकर के दीजिए, इसे कह सकते हैं। और यहाँ से ये जब कभी भी आप लोग ऊपर जाएंगे, वहां पर भी उनसे आप लिए, आपकी कृपा हुई थी और हमारा जीवन इस प्रकार से ऊपर उठ गया है, लेकिन आप लोगों को चाहिए था कि हमें पूरा ऊपर उठा देते, लेकिन आप लोगों का अधूरा कार्य है, होगा पूरा तो आप ही लोगों के माध्यम से। ऐसे उनसे आप मिलकर के पूर्व की बात को याद कर सकते हैं। तो आज एक प्रकार से प्रथम प्रतिमा क्या होती है और इसका स्वरूप क्या है, ये हमें देखना है। आप प्रथम सुबह सुबह उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं और यहाँ से लेकर के क्या देखते हैं, हाथ नहीं देख रहे हैं, हाथ में कि वह दर्पण रखा है, उस दर्पण में आपका मुख अर्पित है, वो देख रहे हैं आप, दर्पण तो देख लो ऐसे कहते हैं। मैं कहता हूँ दर्पण तो सब लोग देखेंगे, लेकिन दर्पण के साथ अपना मुख दिखने में आ जाए, जब तक कांच की ओर आपकी दृष्टि रहेगी, आपका मुख उसमें प्रतिबिंबित है वह नहीं देखने में नहीं आएगा, और जब आपका मुख आपको देखने को मिलेगा उस समय दर्पण गायब हो जाएगा। ऐसा यह एक प्रकार से सिद्धांत है। तो प्रथम प्रतिमा में दर्पण की उपमा जैसी दी गई है, उसमें उन्होंने कहा यह भी एक प्रकार से चारित्र का पक्ष कैसा ले रहा है, चारित्र के साथ सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, चारित्र के साथ सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, तभी वह चारित्र चारित्र कहलाता है, और वो सम्यक दर्शन में कमियां रहती हैं, उनको दूर करना भी हमें आना चाहिए, यदि उसको दूर नहीं करेंगे तो वह किसी भी प्रकार से फल पूर्ण दे नहीं सकेगा। दर्पण में एक प्रकार से कुछ भी नहीं होता, केवल देखना होता है, लेकिन देखना होता है उस दर्पण को देखते ही, मान लो कहीं काली मां लगी है तो अब उस ओर हाथ अपने आप ही जाता है, क्योंकि हाथ को कोई आंखें तो है ही नहीं हाथ में, फिर भी वह इन आंखों के द्वारा भी दिखा तो है, लेकिन वह दर्पण में दिखा है, तो दर्पण को थोड़े पहुंचना है, किंतु हमें ललाट पर जो लगा है उसको पहुंचना है। तो यह चारित्र जहाँ कहीं भी आ जाता है, वहां पर बोध और सम्यक दर्शन निश्चित रूप से होते हैं। ये प्रतिमा विज्ञान की पृष्ठभूमि में स्वामी प्रमंत भद्र ने कहा है। ऐसी स्थिति में संसार
शरीर और भोग इन तीनों से अनासक्ति भाव कोई भी उसका आकर्षण नहीं रहता है, उस समय यह प्रतिमा विज्ञान के प्रारंभीकरण होता है। संसार से, शरीर से और भोगों से निवृत्त होने का कारण और उसमें कमी आने के कारण उसको अवश्य ही रास्ता बहुत स्पष्ट देखने में उपलब्ध होता है। तो उन्होंने चारित्र पक्ष को उठने से पूर्व में एक चारित्र का दूसरा अंग है उसको इन्होंने एक प्रकार से चारित्र ही कहा। आप लोग समझेंगे चारित्र तो चारित्र है महाराज, उसके लिए चारित्र मोहिनी कर्म का ही एक प्रकार से उपशम आदि करना होता है, किंतु दर्शन के लिए तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं, आचार्यों ने कहा चारित्र की भूमिका के लिए भी दर्शन के साथ चारित्र की कुछ प्रकृतियों को हमें हिलाना होता है। कांटा निकाला जाता है ना, तो ऐसे निकालने करके वह नहीं निकलता, सुई के द्वारा उसको आजू बाजू में करता है ना। हाँ, उससे क्या होता है, वह जगह ढीला होता है। यदि नहीं होता है तो उसमें थोड़ी सी घास तेल एक बूंद छोड़ दो तो अपने आप ही हिलने आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा दबाना और यूं यूं हिलाओ तो अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाता है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका जब बनती है तो चारित्र मोहिनी की ढीलापन अपने आप, आपको ढीला करना है क्या, नहीं करना है तो गांठ पड़ी है, उस गांठ को थोड़े से पानी से गीली बना लू और धीरे धीरे अपने नाखूनों के उंगलियों के माध्यम से तो खोलना प्रारंभ कर दो, तो वह यह काम करता है। तो उसमें कौन से चारित्र मोहिनी की भी चली जाती है इसका भी वर्णन इसमें आया है, वह है सम्यक आचरण चारित्र। आप लोगों को सम्यक आचरण चारित्र के बारे में भूमिका मालूम नहीं होगी। सम्यक दर्शन के साथ आचरण परक जो कोई भी कार्य होता है वह सम्यक आचरण चारित्र कहलाता है। उसमें कोई भी प्रतिमा आदि नहीं आते हैं, लेकिन नहीं आते हुए भी सम्यक दर्शन होता है, चारित्र की ओर जाना होता है, तो अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र का पक्ष वहां पर ढीला हो करके उपशमित हो जाता है। अब उस सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र हुआ वो सम्यक प्राचरण चारित्र है। कुछ लोगों की धारणा स्वाध्याय के माध्यम से ऐसी बन गई है, बनती चली आ रही है, उनके सामने ये विषय रखो चारित्र अभी नहीं आया, सूर्य का उदय जो है ना अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने से पूर्व में प्राची दिशा में पौ फट जाती है, हैं? भोर उत्पन्न हो जाता है और आप लोग विभोर हो जाते हैं। हाँ, तो वह भोर जो है एक प्रकार से लालिमा है, सिंदूरी रंग का एक छुटकाव है। उसी प्रकार चारित्र को लाने के पूर्व में दूसरी प्रतिमा में वृत आ जाते हैं, किंतु पहली प्रतिमा में क्या होता है, उसकी जो पृष्ठभूमि भूमिका बन जाती है और उसके साथ अनंतानुबंधी के बारे में जो अनंत जल था उसको चुल्लू भर रखा जाता है। इतना बड़ा काम चारित्र पूर्व में होना चाहिए तभी वह सम्यक आचरण चारित्र कहलाता है। वो लोग इसको सम्यक आचरण चारित्र को चारित्र के नाम से घोषणा कर रहे हैं, ये उनके स्वरूप आचरण चारित्र, पहले सम्यक को स्वरूप क्या है समझ लो और सम्यक आचरण चारित्र क्या है समझ लो, तब आगे की बात अपने आप ही भूख लगेगी और आप आगे बढ़ेंगे। अभी तक बढ़ नहीं रहे, इसका अर्थ सम्यक आचरण चारित्र उनके पास है ही नहीं। सम्यक हो
तो सम्यक त्वचा चारित्र न हो ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो वह आठ अंग के रूप में प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक आदि गुणों के रूप में मोक्ष मार्ग के प्रति प्रमोद भाव, मोक्ष मार्ग के प्रति आदर भाव, विनय भाव, वात्सल्य आदि आदि सहज रूप से जैसे जैसे कलिका खुलती चली जाती है, खिलती चली जाती है, सुगंधि अपने आप बोलो। यदि आपके पास नाक हो तो आएगी, यदि नाक नहीं है तो वह सुगंध सूंघने में नहीं आएगी। उनको सम्यक दर्शन चाहिए तो सुगंध ही नहीं आ रही है, तो सम्यक दर्शन कहाँ है वहां पर? इसलिए उनको सोचना चाहिए कुंद भगवान ने घर में अभिरत दशा में चारित्र नहीं बताते हुए भी, वह प्रथम ग्रंथ है अष्टावन इत्यादि ग्रंथ में सम्यक वाचन चारित्र का प्ररूपण किया। कुछ लोग तो केवल कुंद साहित्य में ही रहते हैं, रहने तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर सम्यक वाचन चारित्र की सुगंधि भी तो आनी चाहिए। और वहाँ एक प्रकार से जो व्यक्ति आठ अंगों का पालन नहीं करता, इन पांच गुणों की आराधना नहीं करता, इन पांच गुणों की आराधना में अनुकंपा रूप जो गुण है जीवों के प्रति दया भाव का होना सम्यक दृष्टि का स्वाभाविक है। जैसे गो वत्स सम गाय बचने के लिए वात्सल्य दिखाती है, जीवा के माध्यम से वहां अपने जीव फेर करके उस बछड़े को पुष्ट बना देते हैं, उसी प्रकार यह सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाने के लिए इसके आठ अंग दिए गए हैं। अनुकंपा गुण हुई यदि नहीं है, अरे ये तो चारित्र है, सम्यक वाचन चारित्र में यही तो सुगंधि होती है, इसलिए केवल स्वाध्याय करने मात्र से सम्यक वाचन चारित्र नहीं होता। उन अंगों में कहीं भी लिखा नहीं कि स्वाध्याय करो, किंतु ये आठ अंग और ये पांच सामान्य अंग और मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए विशेष रूप से जो कमजोर पक्ष है उसको बलवान बनाने के लिए, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रति साम्य भाव वात्सल्य भाव रख करके उसके योग सहयोग अपने आप ही करना प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार के वर्णनों में यह वर्णन कुंदकंद का बहुत ही अच्छा वर्णन है, भूमिका का काम करता है। इसलिए घर में चारित्र नहीं भी होता है और चारित्र होता भी है, होता है तो सम्यक प्राचन चारित्र होता है, और नहीं होता है तो देश संयम और सकल संयम नहीं होते हैं। जो व्यक्ति देश संयम का ही अंश मानता है उनकी वह बहुत बड़ी भूल है, वह इस माध्यम से किसी प्रकार से साधना कर ही नहीं सकेगा, और यह साधना निर्जरा के लिए कारण नहीं बनेगी। और वह श्रद्धान भी यथार्थ श्रद्धान नहीं माना जाता है, क्योंकि घर में चारित्र नहीं होता, किंतु होता है तो देश संयम होता है, किंतु चतुर्गुण स्थान में नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो सम्यक वाचन चारित्र होता है। इसलिए हम यह हमारा कहना है केवल सम्यक दर्शन की आराधना नहीं, सक्रिय सम्यक दर्शन की आराधना करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, ऊपर आगे भी नहीं बढ़ रहे थे, पीछे तो किसी करने का बात ही नहीं थी, तो वो हिल ही नहीं रहे थे। बच्चे यदि जन्म लेता है तो हिलता है तो माता पिताओं को अच्छा लगता है, हाथ में मार ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता तो क्या होगा? हाँ ये तो हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं था, हो गया, हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा हो जाएगा,
उसका नाम ऐसा लगे उसका नाम, वो हाथ पैर नहीं हिला रहा। हमारे घर में तो आया तो सही, लेकिन विकलांग कैसे आ गया? महाराज हमारे घर में है, अभी तक तो उनके कोई हिलन डुलन हो नहीं रहा है, आशीर्वाद दे दो ताकि वह उठने लग जाए, बैठने लग जाए, भागने लग जाए, नहीं समझे क्या? तो आपको भगाने लग जाए। आप संताल को छोड़ करके आए हो, उन लोगों ने कहा जाओ जय मावा, हम यहाँ पर सब व्यवस्था कर लेंगे, है ना? तो आप घर छोड़ना चाहते हैं तो पहले प्रबंध तो करो। तो यह सम्यक पाचन चरित्र मानना चाहिए, जो नहीं मानते हैं उनको भी कह दो तुम्हारे संग में दर्शन रह नहीं सकेगा, वह विकलांग नहीं हो सकता। विकलांग के साथ सक्रिय होना अनिवार्य है, और सक्रियता में भी बुद्धि की सक्रियता सर्वप्रथम है। हाथ पैर हिलाना ये नहीं, बुद्धि के द्वारा समझो सम्यक के साथ कौन सा चरित्र आता है। दूसरा चरित्र यदि मानते संयमा संयम का अंश होता है या सकल संयम का अंश होता है, ये सारे सारे परिकल्पनाएं जो नई थी शास्त्र में उस सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप अपनी दुकान को भी संभालो, और अड़ोस पड़ोस की जो दुकानें इस प्रकार गलत प्रचार कर रहे हैं उनको कह देना हमारे आंगन में नहीं आना। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपकी आपकी दुकान हो जाएगी और वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर माल है ही नहीं, वह माल जो है केवल कोरा कागज की है। हाँ, जैसे चीन में सुनते हैं तो चावल बहुत अच्छा बना रहा है लेकिन प्लास्टिक के चावल है। इसलिए सक्रिय सम्मेलन जिसके पास नहीं है वहां पर भी प्लास्टिक के ही सम्मेलन मिलेगा। ऐसे जो है सम्मेलन चरित्र के अभाव में वो चरित्र नहीं है, ऐसी भूमिका हम लोगों के लिए देश संयम सकल समय पूर्व में आचार्य कुंदकुंद देव ने हम लोगों का मार्ग प्रदर्शन किया, इतना ही पर्याप्त था। नाश्ते में आप लोगों को काफी मिल गया ऐसा समझता हूँ, बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्म की